इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 13 अगस्त के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1951 में भारत में बने पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान भरी थी। 2 सीट वाले इस विमान का भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 1953 में उत्पादन शुरू हुआ था। देश दुनिया के इतिहास में 13 अगस्त की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज ही के दिन 1598 में फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ ने नांत का प्रख्यात आदेश जारी किया था। इस आदेश के आधार पर प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। 1642 में आज ही के दिन डच खगोल शास्त्री क्रिश्चियन ह्यूंगेंस ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव की चोटी का पता लगाया था। आज ही के दिन 1645 में स्वीडन और डेनमार्क ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1784 में आज ही के दिन भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। भारत की वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का निधन आज ही के दिन 1795 में हुआ था। आज ही के दिन 1814 में दासों के व्यापार को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच समझौता हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन का जन्म आज ही के दिन 1887 में हुआ था। आज ही के दिन 1892 में अमेरिकी समाचार पत्र एफ्रो अमेरिकन का बाल्टीमोर से प्रकाशन शुरू हुआ था। 1898 में आज ही के दिन जॉर्ज डेवी के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने फिलीपींस की राजधानी मनीला पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1902 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से हराकर ओवल की प्रसिद्ध जीत दर्ज की थी। 1913 में आज ही के दिन इंग्लैंड के हैरी ब्रेअरली शेफील्ड ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजंती माला का जन्म आज ही के दिन 1936 में हुआ था। आज ही के दिन 1951 में भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान भरी थी। 1956 में आज ही के दिन लोकसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग विधेयक पारित किया गया था। आज ही के दिन 1993 में वॉशिंगटन में इजराइल एवं फलिस्तीन के बीच शांति समझौता हुआ था। 1993 में आज ही के दिन थाईलैंड के नाखोन रचासीमा में होटल ढह जाने से 114 लोगों की जान चली गई थी। आज ही के दिन 1994 में अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच जेनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में ऐतिहासिक सहमति हुई थी। 1999 में आज ही के दिन लेखिका तस्लीमा नसरीन की नई पुस्तक आमार मय वेला पर बांग्लादेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। आज ही के दिन 2008 में विश्व की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने वियतनाम में संयुक्त रूप से इस्पात परिसर के निर्माण के लिए वहाँ की 2 प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता किया था। 2008 में आज ही के दिन भारत ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हथियार प्रणाली पिनाक का सफल परीक्षण किया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।